पीएफसी, आरईसी, एसबीआई समेत 9 सरकारी कंपनी का डिविडेंड न्यूज एवं एक शेयर पर 4 शेयर फ्री न्यूज कवर कर रहा हूं, किंतु छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। पहली कंपनी का नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, करंट मार्केट प्राइस है 424 रुपया, डिविडेंड की मीटिंग है 11 मार्च को। दूसरी कंपनी का नाम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, करंट मार्केट प्राइस है 1511 रुपया, डिविडेंड की मीटिंग है 10 मार्च को। तीसरी कंपनी का नाम है आरईसी लिमिटेड, करंट मार्केट प्राइस है 470 रुपया, डिविडेंड की मीटिंग है 16 मार्च को। तो 16 मार्च को जैसे ही डिविडेंड आएगा सबसे पहले हम लाइव मार्केट में चैनल पे अपडेट कर देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि सबसे फास्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगली कंपनी का नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड, करंट मार्केट प्राइस है 1800 रुपया, डिफेंस स्टॉक है तो लगातार स्टॉक में रैली जारी है और नया हाई पे हाई स्टॉक बना रहा है। इसके अलावा हल बेल जैसे डिफेंस स्टॉक भी लगातार हाई पे हाई बना रहा है। शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए कंपनी ने अब स्प्लिट के लिए मीटिंग रखा है 21 मार्च को। 21 मार्च को जैसे ही स्प्लिट आएगा स्टॉक में तेजी होगा, फिर जब स्प्लिट का एक्स डेट आएगा तो स्टॉक में अपर सर्किट लगेगा। बाकी डिफेंस स्टॉक है तो ऐसे भी स्टॉक में तेजी रहेगा। अगली कंपनी भारत डायनामिक लिमिटेड है, स्टॉक स्प्लिट के साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड की भी मीटिंग रखा है 21 मार्च को, और 21 मार्च को जो भी डिविडेंड आएगा उसके लिए रिकॉर्ड डेट 2 अप्रैल को रखा है। तो डिविडेंड और स्प्लिट दोनों मजा स्टॉक में मिलेगा, तो स्टॉक में लगातार आपको तेजी आगे आने वाले समय में दिखे। अगली कंपनी का नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड, करंट मार्केट प्राइस है 588 रुपया, डिविडेंड की मीटिंग है 8 मार्च को, और 8 मार्च को जो भी डिविडेंड आएगा उसके लिए रिकॉर्ड डेट है 18 मार्च। अगली कंपनी का नाम है कैनरा बैंक, स्प्लिट करेगा 1:5, एक शेयर 5 शेयर में कन्वर्ट होगा, यानी एक शेयर के होल्डिंग पर 4 फ्री शेयर मिलेगा। तो एक्स डेट आने के बाद स्टॉक में लगेगा अपर सर्किट, जैसे ही एक्स डेट आएगा लाइव मार्केट में हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे एवं स्विंग ट्रेडिंग कॉल भी इसका दे देंगे, इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे आज स्प्लिट का एक्स डेट आया तो रेफेक्स इंडस्ट्रीज में अपर सर्किट लगा, उसी तरह इस स्टॉक में भी अपर सर्किट लगेगा। अगली कंपनी का नाम है कोल इंडिया, करंट मार्केट 450 रुपया और टारगेट दिया है 550 रुपया से अधिक का नोवामा ब्रोकरेज ने। अगली कंपनी आरईसी लिमिटेड, 560 रुपया प्रति शेयर का टारगेट दिया है सीएलएस।